बस बस इधर घूम जाओ या यहाँ बैकड्रॉप घूम जाओ थोड़ा पीछे आ जाओ भाई थोड़ा पीछे आ जाओ ना मूवी देखी रानी देखी खतरो देख रहे हो अर्चना का नाम आया तो कुछ और कहना चाहेंगे अर्चना के लिए एक और अच्छी दोस्त है उसको ऐसे ही छेड़ती रहती थी मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड हो अर्चना के बारे में कुछ बोला है उसको जानती थी छेड़ती रहती चलो थैंक यू चलो जान दो गलत बात आ रही है बुलाया आवाज नहीं हमको तो स्वागत है अंजलि आपका मीडिया में क्या कहना चाहेंगे एविक्शन हुआ है आपका एंड वो कैसे वो पूरा प्रोसेस हुआ था आपको पूरा सेड हुआ सेड Can I talk about it? So, इतने टाइम से सीक्रेट रखा है हमने तो सैड ऑब्वियसली हुई थी बिकॉज गेम से कोई बाहर नहीं होना चाहता बट इट ऑल्सो इज़ अ गेम जो हमें यू नो याद रखना चाहिए कि कोई ना कोई तो आउट होगा ही कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आउट होना भी है तो आई थिंक कोई फर्स्ट आउट हो या सेकेंड लास्ट आउट हो आई थिंक उतना इक्वली बुरा लगता है तो आई नो आई गेव माई बेस्ट और मुझे जितना भी मुझे मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे मज़ा आया मैंने कितनी सारी चीज़ें कर ली वाटर कर लिया क्रीपी क्रॉलीज कर लिए स्नेक्स एंड ऑल रेप्टाइल्स आई डिड क्रोकोडाइल्स आई डिड हाइट मैंने सब कर लिया एक्सेप्ट फॉर एक चीज़ जो मुझे करनी थी जो था एक कार स्टंट जो मुझे करने नहीं मिला बट एक ही रिग्रेट हो गया अगर आई एम श्योर कोई ना कोई मुझसे पूछने वाला होगा कि आपको कोई रिग्रेट है एक ही रिग्रेट है कि मैंने कार स्टंट नहीं किया क्योंकि मैंने आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे गाड़ियाँ उड़ाने मिले क्योंकि रियल लाइफ में कभी मिलेगा नहीं वो चांस तो या ड्रीम तो लाइक आई सेड अचीव नहीं हुआ गाड़ियाँ उड़ाने का बट आई थिंक वाटर में आई डोंट थिंक एनीबडी इन एनी सीजन हैज़ बीन वेरी कम्फर्टेबल पानी देख के सब डर जाते थे यू नो तो जब मैंने जो वो वाटर स्टैंड कंप्लीट किया था आई थिंक सेकंड वीक में तो मुझे बहुत खुशी हुई एंड आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इन वाटर एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर वाटर स्टंट्स और फिर जब आई कैन टॉक अबाउट द स्टंट्स आल्सो राइट फिर जब लास्ट वीक वाला स्टंट जो वाटर स्टंट आया जिसमें मैं एलिमिनेशन में गई उस स्टंट में आई थिंक अबॉर्ट हुए दोनों खिलाड़ियों ने अबॉर्ट किया मगर मुझे मज़ा आया उस स्टंट में भी आई फर्स्ट टाइम माई लाइफ आई एक्सपीरियंस ड्राउनिंग मैंने कभी बिकॉज आई नो हाउ टू स्विम तो मुझे लगा यू नो आई डोंट नो हाउ ड्राउनिंग फील्स तो फर्स्ट टाइम मैंने वो फील किया एंड इट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट बट आई स्टिल हैड फन बिकॉज आई गेव इट माय ऑल लास्ट तक मैंने अबॉर्ट नहीं किया जब तक मैं ऑलमोस्ट मरने वाली नहीं थी मैंने अबॉर्ट नहीं किया एडवाइस तो आई थिंक हम सब एक दूसरे को दे रहे थे इस बार एक अच्छी बात ये थी कि सब लोग बहुत स्टंट्स को लेकर बहुत सीरियस थे हमने भी बात की इंटरनली एंड टीम से भी और वो कह रहे थे कि इस बार के खिलाड़ी स्टंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है कोई बाहर नहीं जा रहा कोई घूम फिर नहीं रहा है ज़्यादा तो इस बार आई थिंक सब एक दूसरे का बहुत साथ दे रहे थे कोई अच्छा करे या बुरा करे ऑब्वियसली कोई कोई लोग अगर कोई बुरा करते थे तो हमें बहुत डीमोटिवेट करते थे बट इट्स ओके दैट्स पार्ट ऑफ द गेम हर प्लेयर का
थिंकिंग अलग होता है, हर प्लेयर का वे ऑफ मोटिवेटिंग अलग होता है. एंड जितने भी हम थे आई थिंक मेजॉरिटी हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को एडवाइस दिया, एक दूसरे का यू नो व्हेन समवन वाज फीलिंग लो वी वर ऑलवेज देयर फॉर देम. अंजलि, जैसे कि आपने कहा कि अगर अच्छा स्टंट नहीं होता है तो कोई कोई ऐसे लोग हैं जो डीमोटिवेट कर देते, तो आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और आपने देखा है? मैंने बोला ना ये क्वेश्चन आएगा. साम बाहर कौन था मेरे साथ बाहर? थे ऑब्वियसली बहुत टाइम्स, काफ़ी टाइम्स कोई कोई लोग थे जो कमेंट्स पास करते थे कि अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो. प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि जब कोई स्टंट कर रहा है खिलाड़ी, उसे ब्रीफ किया जाता है कि स्टंट कैसे करना है, क्या करना है, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. वो ब्रीफिंग बाकी के खिलाड़ी जो वहाँ खड़े हैं उन्होंने नहीं सुनी है. तो जब मैं क्रोकोडाइल स्टंट कर रही थी और मेरी प्यारी अर्चू मुझे बोल रही थी अरे वो वाला उठा ले वो वाला, आई वाज नॉट अलाउड टू गो बिहाइंड. यू नो वहाँ पे छोटा क्रोकोडाइल जो था, मेरा जो पीठ पीछे जो लगा था वो चीज़, उसकी वजह से मैं पीछे जा ही नहीं पा रही थी बिकॉज देयर वाज अ रॉड ऑन माय बैक. तो मैं नहीं जा पा रही थी एंड शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमें पीछे जाना अलाउड नहीं है, राइट? तो इसलिए उनको नहीं पता, तो इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें, एक जब वो भी स्टंट कर रहे हो, हम भी अगर कुछ एडवाइस दे रहे हो, हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते. तो आई थिंक इवन वंस मैं कुछ कर रही थी एंड डीनो और समबडी वाज सेइंग समथिंग टू मी एंड आई सेड नहीं मैं वो नहीं कर सकती बिकॉज मुझे सेफ्टी ब्रीफिंग में बोला है कि मैं वो नहीं कर सकती. सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे डोंट नो. तो हमें जो ब्रीफिंग दी जाती है वो रोहित सर जो समझाते हैं उससे एक स्टेप आगे होती है, जो सेफ्टी को लेकर बहुत डिटेलिंग में हर एक चीज़, आप एक एक पैर कहाँ रख सकते हो, एक एक चीज़ कहाँ आप सेफ हो सकते हो. यू नो इवन द लेज वाला स्टंट जो था, जो सुंदूस मैंने और रश्मीत ने किया, जो मैंने इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया, उसमें भी कि अगर आप ऐसे टर्न होगे तो आपकी सेफ्टी केबल विल बी फाइन, आप ऐसे टर्न करके करोगे तो सेफ्टी केबल अटक जाएगा, यू कैन नॉट डू इट दैट वे. सो यू हैव टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स वाइल डूइंग अ स्टंट. तो बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है पर उसी में तो एंटरटेनमेंट आता है ना. डेफिनेटली जो लास्ट वीक, फोर्थ वीक का जो बॉडी बैग स्टंट था, आई थिंक अगर मुझे भी चांसेस मिलते तो मैं भी शायद बेटर कर पाती. और वो स्टंट मुझे सच में कंप्लीट करना था बिकॉज आई थिंक उसके पहला वाला जो वाटर स्टंट था वो भी एक ऐसा स्टंट था जो अबॉर्ट स्टंट था जो मुझे दिया गया था. एंड जो वेट लेके जो हम नीचे जाते हैं उसमें, वो पहले बहुत लोगों ने फर्स्ट ट्राई में नहीं किया है कम्प्लीट. मैंने आई वॉज लकी इनफ कि मेरे साथ उस स्टंट में ऐसी चीज़ें हुई कि मुझसे कंप्लीट हो गया. एंड आई विश मैंने बॉडी बैग वाला भी स्टंट कंप्लीट किया होता तो आई डोंट थिंक मैं एलिमिनेशन में होती. खतरों के खिलाड़ी मैंने फर्स्ट वीक में मैंने और मेरी मॉम ने कॉन्वर्सेशन किया था एंड शी लास्ट में जैसे मैं पहुंची थी वहाँ पे और हमने स्टंट्स जस्ट करना शुरू किए थे, आई थिंक एक दो स्टंट्स हुए थे एंड मेरी और मॉम का कॉन्वर्सेशन हुआ था एंड मी एंड माई मॉम हैड टेकन आई थिंक टू और थ्री नेम्स. दोज नेम्स व अर्जित, शिजान एंड डीनो. एंड माई मॉम वॉज एडमिंट ऑन डीनो एंड माई मॉम लव्स द वे ही इज एंड ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एंड नाउ ही इज़ डिफरेंट. एंड हम तीनों ने ये तीन नाम डिस्कस किए थे तो हमें इन तीन नामों से लगा था कि शायद कोई जीत सकता है. और लड़कियों में आई थिंक लड़कियाँ इस बार बहुत सारी थी और बहुत स्ट्रांग थी. बहुत सारी स्ट्रांग लड़कियाँ स्टार्टिंग में भी निकल गई, यू नो. एंड रूही को ले लो, अंजुम को ले लो. एंड सो आई थिंक इस शो के साथ कुछ बोल नहीं सकते, यू नो. लक फैक्टर होता है, आपको कौन सा स्टंट मिलता है वो फैक्टर होता है. अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आपको उस वीक स्विमिंग का स्टंट नहीं मिले तो यू आर लकी. और अगर आपको एक चीज़ से डर लगता है और आपको वही स्टंट मिले तो यू नो देन लक ने आपका साथ नहीं दिया और आप एलिमिनेशन में जाओगे. सबसे अच्छा मेरा सबसे पहला बॉन्ड इसी बिल्डिंग में, आई थिंक जब हम पहली बार, मैं किसी को नहीं जानती थी खतरों के खिलाड़ी में, किसी को कभी मैं मतलब कभी नहीं मिली थी कोई भी कंटेस्टेंट को. तो हम इसी बिल्डिंग में पहली बार मिले जब हम पहली बार जनता बाइट्स और प्रेस डे के लिए आए थे. तो सबसे पहले आई थिंक मैं अर्जित को मिली थी तो अर्जित के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. फिर मैं सुंदूस को मिली, सुंदूस के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. अंजुम, शिजान, एवरीबडी, आई थिंक मेरा किसी के साथ ऐसे कुछ बैड ब्लड नहीं है. आई थिंक मैं बाकी सबसे तो ज़्यादा आई थिंक अर्चना से फ़ोन पर बात करती हूँ बिकॉज शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कॉल करती है, हाय बेबी क्या कर रही है, अच्छा सुन ये हुआ, अच्छा सुन वो हुआ. शी लाइक्स टू डिस्कस और उसको दूसरों की ओपिनियंस देने में बहुत अच्छा लगता है.
तो मैं उसको समझाती रहती हूँ, कोई बात नहीं, ये है वो है, ये है वो है, दिमाग गर्म नहीं करते, ये वो ये वो. सो बिकॉज शी इज़ वन ऑफ अ काइंड, और अगर आप उसको समझ लो तो आप उससे कभी गुस्सा होगे नहीं, यू नो. तो हाँ, शिव है, डेजी है, वी कीप मीटिंग एंड सब लोग यार, एवरीबडी इज़ वंडरफुल एंड या सबसे अच्छा बॉन्ड है मेरा, मेरा बैड ब्लड किसी के साथ नहीं. मुझे बहुत लोगों ने बोला दैट आई वुड डू वेरी वेल इन बिग बॉस, बट एक तो मैं इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती. आई डोंट इवन लाइक स्टेइंग विद वन पर्सन, आई लाइक टू स्टे अलोन. तो आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट इन अ हाउस फिल्ड विद सो मेनी पीपल एंड आई हैव टू सी देयर फेसेस एवरी डे. आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट एंड आई कैन नॉट टेक एनीबडी, कोई मुझसे उल्टे मुँह बात करे मैं नहीं, आई कैन नॉट टेक इट. सो आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट देयर. तो मैं शायद सेकंड दो दूसरे दिन में वापस बाहर आ जाऊँ, किसी को हाथ वाथ उठा लिया मैंने तो, बिकॉज आई कैन नॉट टेक कोई बदतमीजी से बात करे. और वहाँ पे इतनी बदतमीजी होती है जो देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम द बिगेस्ट बिग बॉस फैन एंड आई वॉच एवरी सीजन एवरी एपिसोड विदाउट फेल. बट देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बट आई डोंट नो इफ आई वुड बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम नॉट श्योर. एंड आई थिंक मेरा ये फर्स्ट रियलिटी स्टिंट था एंड आई थिंक दिस माइट बी माई लास्ट रियलिटी स्टिंट. You never know, but because I was not very comfortable as being Anjali in front of the camera, I was not. मुझे character दे दो, I will be like, you know, living in the character, I'll be very okay. But as me, I'm like, मैं क्यों camera के सामने अपने बारे में बात करूँ? Even interviews and all, I get very uncomfortable. So I think I will learn with time. So ऐसा कौन सा stunt है जिसमें आपको injury हुई हो या कुछ hurt हुआ? There are two pains that I've come back with खतरों के खिलाड़ी से. एक है मेरा राइट रिस्ट, जो मेरे एलिमिनेशन स्टंट में मुझे पता नहीं क्यों मेरी राइट रिस्ट में प्रॉब्लम आई है. एंड आई थिंक क्रोकोडाइल स्टंट में वो जो मेरी पीठ पे बांधा था रॉड, मैं लंबी हूँ तो उसकी वजह से बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मेरी हाइट की वजह से वो रॉड, डेजी की हाइट मेरी हाइट के वजह से और उसके बीच में जो वो रॉड जिस चीज़ पे खड़ा था वो रॉड ऐसे वो चीज़ उखड़ गई थी, क्योंकि मैं इतनी लंबी थी तो वो चीज़ लेवल पे नहीं थी. उसकी वजह से मेरी बैक पे बहुत प्रेशर आया. तो मुझे कभी लाइफ में अपर बैक इंजरी नहीं हुई है, लोअर बैक हुई है पर अपर बैक कभी नहीं दुखी है. तो अब उसके बाद अपर बैक दुखने लगी है. अभी तक पैर पे निशान निशान है बहुत सारे, बट या इट्स गुड, इट्स बैटल स्कार्स, सो इट्स फाइन. हाय अंजलि, कांग्रेचुलेशन फॉर योर डेब्यू आल्सो इन रॉकी रानी. सो कोई भी कुछ भी बात करता है. आई थिंक मूवी ने इतना प्यार देखा, सडनली इन द रूम देयर इज लव. दिस मूवी हैज यू नो सब लोग के दिलों में इतना प्यार जगा दिया है कि कोई भी इस पिक्चर के बारे में बात करता है तो सबके फेस पे स्माइल आ जाती है. आई होप आप सबने देखी है. देखिए जूही ने देखी, सिर्फ ऑफिस ने देखी. तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगे. अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने देखी है, आई होप आपको मज़ा आया, बिकॉज हमें बहुत मज़ा आया बनाते हुए मूवी. और हमें ये रिएक्शन ऑनेस्टली इतना, मतलब एक इंसान भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि अरे हाँ ठीक थी कि हाँ कुछ. एवरीबडी सेइंग नाइस थिंग्स. आई मीन जो हेटर्स थे जिनको ये पूरा कास्ट और क्रू नहीं पसंद था, वो भी अंदर जा रहे हैं सड़ी हुई शक्ल लेके, पर बाहर आ रहे हैं अच्छी शक्ल लेके. यू नो एवरीबॉडी इज जस्ट हैप्पी. थोड़ा साइलेंस कर दो ना पीछे. तो एवरीबॉडी इज जस्ट हैप्पी एंड दैट मेक्स अस वेरी हैप्पी. एंड माय एक्सपीरियंस विद करण सर, विद द होल कास्ट एंड क्रू, मैंने इसके पहले एक वेब शो किया था दिल बेकरार फॉर हॉटस्टार, और वहाँ पे तरुण मनसुखानी मेरे डायरेक्टर थे. तो उन्होंने धर्मा के साथ बहुत काम किया है पहले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अंजलि व्हेन यू गो टू धर्मा इसके बाद तो कभी वापस नहीं आएगी. ऐसा व्हाट डू यू मीन, सर यू विल बी वेरी स्पॉइल्ड, तुझे बहुत बिगाड़ देंगे. पर मुझे लगा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लग्जरीज के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो बड़े होटल्स में रहेंगे ये वो ये वो. बट आई रियलाइज लेटर व्हाट ही मीन्स, दैट हर क्रू मेम्बर, हर डायरेक्टर, वो करण सर हो कोई भी हो, दे आर सो रिस्पेक्टफुल टू यू. तो उस वे में मैं बिगड़ गई हूँ कि अभी मैं उस रिस्पेक्ट से नीचे आई डोंट थिंक आई विल यू नो एवर, मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराऊंगी इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल. लाइक इवन समवन फ्रॉम अ शानू, जिन्होंने मुझे ऑडिशन के बारे में बताया, उनके असिस्टेंट ने फ़ोन करके मुझे नहीं बताया अच्छा ये है. शानू मैम ने खुद मुझे फ़ोन करके नरेट किया. करण सर, उसके बाद जब मैं लॉक भी हुई, करण सर ने खुद मुझे मिल के नरेट किया है कैरेक्टर.
यू नो सो दैट इम्पोर्टेंस एंड दैट लव टू गिव टू एन आर्टिस्ट वो बहुत कम मिलता है. हमें मैसेज आता है नीड दिस दिस गर्ल फॉर दिस दिस कैरेक्टर, ऑडिशन भेजो. सर पर कैरेक्टर क्या है, हमें क्या करना है? आप अगर कोई चीज़ खरीदने जाओगे, बैग खरीदने जाओगे, तो आप पूछोगे ना ये क्या मटेरियल है, इसके पैसे कितने हैं, क्या हो रहा है, यू नो. यू विल नॉट जस्ट बी लाइक नहीं ये बैग नहीं ठीक है. यू विल नॉट गिव एन ओपिनियन जस्ट लाइक दैट. यू हैव यू नीड इन्फॉर्मेशन. सेम वे वी नीड इन्फॉर्मेशन. तो आई थिंक वो बहुत लोग हल्के में लेते हैं उस बात को कि हाँ ठीक है ना एक्टर है उसको काम मिल रहा है व्हाटएवर. बट दिस रिस्पेक्ट आई थिंक आई विल ऑलवेज कीप विथ मी द लव एंड द रिस्पेक्ट के साथ जो हमने शूट किया है. And yeah, this experience was full of love and it's being spread around the world and I love it. So yes, Anjali, after this, हम आपको कौन से platform पे देखेंगे या कोई नई movie जहाँ आप lead role में रहेंगे? Yes, Anand. Yes. I love you too. So fans और audience आपको किस जगह पे अभी हम देखो मैंने सबको गुमराह करके रखा है. क्या ये टीवी करेगी, क्या ये रियलिटी करेगी, क्या ये मूवीज करेगी, क्या ये वेब करेगी? तो let's wait and watch. है ना, द मिस्ट्री इज़ द बेस्ट पार्ट. बट आई एम टॉकिंग इस मूवी के बाद मुझे बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं. बहुत ईजी हो गया है फॉर मी टू बिकॉज आई हैव समथिंग टू शो. ये पूरी दुनिया देख रही है राइट. सो आई कैन अप्रोच एनी बडी एंड दे आर रिसेप्टिव एंड दे आर टॉकिंग टू मी एंड आई कैन गो इन टू रूम्स एंड मीट पीपल एंड इट्स अमेजिंग. इट्स सो मच फन एंड वी कैन मेक सच अमेजिंग सिनेमा टुगेदर एंड वी कैन वट एवर इट इज़ इवन टेलीविजन. सब चीज़ों की बातें हो रही है आई एम गोना बी ऑनेस्ट. बट whichever thing sparks joy for me, I will do that. भले वो कुछ भी हो, भले वो reality हो, television हो, web हो, movies हो. तो घुमरा करके रखा है मैंने, फिर हम देखेंगे मैं क्या करूँगी. Because even I don't know, honestly. But सारी बातें हो रही है and I hope whatever it is, आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और मैं बहुत succeed करूँ. तो अगर आपको मेरी movie अच्छी लगी हो, आपको कतरों में मेरा सफ़र अच्छा लगा हो, follow मत करना, like मत करना, subscribe मत करना. मेरा कोई channel नहीं है, दुआ भेजना और कुछ नहीं. Thank you. हाँ हमने इतना सीक्रेट रखा है, कल तक भी रखेंगे. ओके उसके ऊपर रॉकी रानी का गाना डाल देना. लेट्स डू प्रमोशन गाइस. रणवीर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. मैंने बाहर एलिमिनेशन मेंशन किया नहीं ना, एक क्वेश्चन था ना कि आप शो से बाहर आ गए कुछ तो था, पर मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया. हां मतलब वो चलो ठीक है, आप लोग देख लेना अगर होगा तो. मैंने बोला वायकॉम 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 वायकॉम. हां कूल.